नमस्कार दोस्तों, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पास अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन सा, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना कितना है? 18 है, 18 है, 16 है, 16 है रिस्पेक्टिवली। और हमें क्या करना है, इसका प्रॉपर साइन एंड सिंबल हमारे पास असाइन करना है। एक सिंबल इस स्पीसीज का हमारे पास सिंबल असाइन करना है। चलिए आइए, ये तो बहुत आसान हो गया। लेट्स सी, देखिए हमारे पास क्या कहा गया है कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया हुआ है कितना, चेक करिए। पहला कितना हो गया हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिया हुआ है। देन हमारे पास क्या दिया हुआ, प्रोटॉन्स दिया हुआ है, और प्रोटॉन्स कितनी क्वांटिटी में दिया हुआ है, 16 क्वांटिटी में। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कितनी है टोटल, 16 क्वांटिटी हमारे पास दिया हुआ है। इतना हमारे पास जो डाटा है वो गिवन डाटा है, राइट। गिवन डाटा हमारे पास दिया हुआ है, और इसके बिहाफ पे हमारे पास, हम जानते इतना है, वी नो दैट दैट हमारे पास क्या होता है, जेड इज इक्वल टू में ई इज इक्वल टू में पी होता है क्या, फॉर ए न्यूट्रल एटम। फॉर ए न्यूट्रल एटम ऐसा हुआ करता है क्या? अब हमारे पास ये चेक करिए, अगर जो आप चेक कर पा रहे हो, ध्यान दे पा रहे हो, तो क्या ये दोनों हमारे पास सेम है क्या, दीज आर सेम और नॉट सेम? नहीं, ये सेम नहीं है। इट्स मीन दिस इज अ नॉट, दिस इज नॉट ए न्यूट्रल एटम। ये न्यूट्रल एटम हमारे पास ये नहीं है न्यूट्रल एटम। देन हमारे पास क्या करते हैं, अब इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। ये तो ऑलवेज ट्रू होता था कब, जब ये न्यूट्रल एटम। लेकिन एक बात और ऑलवेज ट्रू होती है क्या, जो जेड बराबर होता है वो प्रोटोन के बराबर होता है, ये ऑलवेज होता है, राइट। ये ऑलवेज होता है, ये हमारे पास क्या होता है जी, ऑल वेज हुआ करता है। चलिए ऑलवेज, ठीक है, तो ये ऑलवेज हुआ करता है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे चेक करते हैं। हमारे पास अब देखिए, हमारे पास क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इतने हैं। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास इसमें प्रोटॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 16, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये हमारे पास है जेड भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ हमारे पास दिया हुआ, क्योंकि ये तो ऑलवेज ट्रू होता है। ये वाला हमारे पास क्या है, ऑलवेज ट्रू वाले हैं, ठीक है जी, 100% हर जगह लगने वाले चीज़ें हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास जो जेड है, इसका मैं एक बार इसको एक्स मान लेता हूँ। लेट अस सपोज, इस इतना हमारे पास एटम्स के बारे में जो पूछ रहा है वो मैं इसका मान लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ जेड, और यहाँ पे लिखता हूँ इसका ए। तो अभी तक मुझे जेड कितना पता चल गया है, कितना हो गया है, 16 इसका जेड हो चुका है। एंड समझिए, आप इस चीज़ को समझिए, हमारे पास ए इज इक्वल टू में क्या हुआ करता है, ए इज इक्वल टू में होता है हमारे पास जेड प्लस में पी, ओ सॉरी एन लेग, लेट्स क्या होता है एन। और इसी को हमारे पास या तो ऐसे भी कह लें कि प्रोटोन प्लस में हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन बराबर ए होता है। दोनों ही बातें हमारे पास सही है। ओवरऑल हमारे पास ए को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू में देखिए क्या हमारे पास प्रोटोन 16 दिया हुआ है क्या, हाँ जी दिया हुआ है। न्यूट्रॉन हमारे पास 16 दिया हुआ है क्या, हाँ जी दिया हुआ है। तो टोटल ऐड करके मेरे पास ए का मान कितना आ गया जी, 32 आ गया, यानी ए किसके इक्वलेंट हो गया, 32, राइट। यानी अब मैं इसको ऐसा लिखा जा सकता है, 16 एंड 32।
अब देखिए, ए का हमारे पास 16 कब आता है और 32 कब आता है, तो आपने ध्यान दिया होगा ये दोनों का हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस है कब आता है जी, ये किसके लिए आता है, ये आता है सल्फर के लिए, राइट। एक मिनट, किसके लिए आता है सारी चीजें, सल्फर के लिए, सल्फर के लिए। और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, क्या होता है जी ये जेड, एंड इसका क्या होता है 32, क्या होता है इसका ए होता है। देन हमारे पास अब हमें पता चल गया है कि ये क्या है, एस है, और ये 16 है और ये 32 है। अब हमें ये तो क्या मिल गया हमारे पास, ये चेक करिए ये क्या हुआ, ये हमारे पास आया है एक न्यूट्रल एटम आया है, राइट। ये हमारे पास आया है न्यूट्रल एटम, लेकिन क्या ये ओवरऑल न्यूट्रल था क्या, नहीं, अभी तक हमने इसमें इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं किए ना। अब हमारे पास इसमें क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास ऐसा होता, अगर मेरे पास, या ये कह लो कि चार्ज कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है, क्या तरीका होता है चार्ज कैलकुलेट करने का, तो हमारे पास ये तरीका होता है कि जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, उसमें से माइनस कर दीजिए, आपके पास प्रोटॉन माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पता चल जाएगी कि असेंबल कितने करने हैं, या हमारे पास डिफरेंस कितने का आया हुआ है। तो देखिए, चार्ज हमारे पास देखने जा रहे हैं, चार्ज चार्ज देखने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं, 16 प्रोटॉन हो गया। देन हमारे पास इसकी डिफरेंस कितने आ गई, 2 का आया है, और 2 डिफरेंस किस चीज़ का आया है जी, इस चार्ज का डिफरेंस है, यानी इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा हमारे पास जब आ जाता है तो हमारे पास क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इसका, जब हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है तो क्या करते हैं, देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाता है तो यही इलेक्ट्रॉन हमारे पास चार्ज बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है, राइट। तो यानी हमारे पास फाइनल रिजल्ट का आया है, एस पे चार्ज कैसा आ गया है, एस पे जो चार्ज आ गया है वो आया है एस, एक मिनट थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है, एस, और एस का कितना आया है, ये एस पर